पहले सुभान अल्लाह के बाद में सुभान अल्लाह पढ़ करके और सूरत पढ़ने से पहले सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा पढ़ते हैं। ये एक तरीका बदला, दूसरा तरीका और भी निकला था, 15 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसके बाद में औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा और कुछ सूरत पढ़ा, फिर खड़े खड़े रुको में जाने से पहले 10 मरतबा और गोया के क़याम की हालत में कुल 25 मरतबा। एक तरीका है। अच्छा पहले इसी को पूरा कर लेते हैं, 75 मरतबा किस तरह बनता है, रुको में गया 10 मरतबा और सुभान रब्बिल अज़ीम पहले पढ़ ले 3 या 5 जो भी पढ़ना है उसके बाद शुरू करें, 25 और 10 35। रुको से खड़ा हुआ समय अल्लाह उदय को थामिला 10 मरतबा पढ़ ले, फिर पढ़े खड़े 45। सजदे में चाहे सुभान रब्बिल आला के बाद में 10 मरतबा पढ़ ले 55। सजदे से सर उठाया कौमे के अंदर जैसे के अंदर बैठा है तो 10 मरतबा फिर पढ़ ले ऐसे, और दूसरे सजदे में जाए तो फिर उसने पढ़ लिया है 10 मरतबा तो अब उन्हें 75 मरतबा। लेकिन दूसरा सजदा करते ही अब उसको जलसा इस तरह नहीं करना है, बैठना नहीं है, सीधा दूसरी रकात में खड़ा होना है, इस तरह दूसरी रकात के अंदर भी दूसरा सजदा करके अतहियात पढ़ना है, अतहियात पढ़ करके फिर खड़े होते ना, इस तरह हर रकात के अंदर 75 वह खड़े होने की हालत के अंदर वो 25 है। दूसरा तरीका जो इससे अफजल करार दिया है हमारे फरमान में हमारे सिर में वो क्या है, वो ये खड़े होने की हालत में सिर्फ 15 मरतबा पढ़ना चाहिए। और वो है सुभान अल्लाह पढ़ ले, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा को सुन मिला, उसके बाद में खड़े खड़े रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा, फिर रुकू में 10 मरतबा, रुकू से खड़े होकर 10 मरतबा, सजदे में 10 मरतबा, सजदे से बैठकर 10 मरतबा, दूसरे सजदे में 10 मरतबा, दूसरा सजदा करके रकात दूसरी रकात के लिए खड़ा नहीं होना है, पहले बैठना है जैसा है इस तरह करना है, उसके अंदर 10 मरतबा पढ़ के फिर खड़ा होना है। फर्क समझ में आ गया, दो ही फर्क, दो ही तरीके। दूसरी रकात के अंदर अत्तहियात जब नंबर आएगा तो पहले अत्तहियात पढ़ ले और उसके बाद 10 मरतबा पढ़ा। दोनों तरीके आए हैं, जो भी तरीका आप कर रहे हैं किसी को रमजान शरीफ के अंदर आवाम नासिक से पूछते हैं, एलई की जिम्मेदारी बनती है ध्यान करें, खुद भी पढ़े दूसरों भी पढ़ाए। बाल ऐसे मिल सकते हैं आप लोगों के साथ जिनको कुछ पढ़ना ही नहीं आता है, तो मैं अपने तौर पर बता रहा हूँ कि कदीम मुतकद्दिमी लोगों ने ऐसा कभी किया है, उसको कुछ नहीं पढ़ना आता है, उसको नमाज भी याद नहीं है, वो नमाज खड़ा कर अपने पास खड़ा कर दिया, वो भी रोटी सजदा करता रह गया, उसको सवाब मिलेगा उसको, उसको नबी नमाज नहीं आती, फर्ज नमाज नहीं आती है। फर्ज नमाज का मसला तो ये है कि इमाम के पीछे चुपचाप खड़े हुए खुद बखुद नमाज मिल जाएगी उसकी, क्योंकि नफील सुन्नत कुछ क्या पढ़ना उसको मालूम ही नहीं, लेकिन उसको सिखाने की तरतीब बनाए, अगर उसका जज्बा खड़े साथ में खड़े होने का तो हो सकता है, लेकिन सीखना चाहिए, इसकी जमात मुनासिब नहीं है। अब आप देखिए इसकी फजीलत, अच्छा फजीलत क्या है, तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हें हदिया तोहफा सिला फिनी ना करो दीजिए आप या रसूलुल्लाह जरूर करें, तो आपने ये तरतीब बताई और फरमाया कि जो आदमी इसको जरूर पढ़े, आप जो इसको पढ़ लेगा मतलब फरमा इसको पढ़ लेगा उसके जितने भी गुनाह होंगे भूल कर हो जाने अनजाने रात में दिन में पहले के बाद किसी तरह के भी हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुतलकन है, गुनाह सगीरा भी का जिक्र नहीं है, अल्लाह ताला गुनाह कबीरे के बारे में नहीं है, गुनाह कबीरा तौबा से माफ होता है। लेकिन अगर शेख ने रहमतुल्लाह लिखा है, मैंने आपको वुजू के अंदर एक बार बताया था कि वुजू में भी लोग दुआएं पढ़ते हैं, हाथ धो लेगी चेहरा धो लेगी गर्दन की मसा कर, अगर अच्छी तरह उसके इस्तेफार और तौबा वगैरह खुद कलिमा के अंदर मौजूद है, अगर अच्छी तरह से दुआओं का एहतमाम करे वजू का अच्छा एहतमाम करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो मुतलक है वो दुआए कबीरा को भी माफ करना, जब अच्छी तरह से वजू करना अच्छी तरह से तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ने ये फजीलत सुन करके सारे गुनाह से माफ हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मुवाजबत कौन करेगा, हर रोज इसमें इस्तेदाद होगी, हर रोज नहीं लंबी लंबी सारी नमाज भी पढ़नी इसको भी लंबी हर रोज नहीं पढ़ सकता,
दिन एक बार पढ़ ले, जुमे का लफ्ज है लेकिन जुमे का तर्जुमा हफ्ता ही है, जुमे ही क्यों पढ़े? और अच्छी बात है, इस लफ्ज पर जाहिर लफ्ज पर हो जाए। और फरमाया सुल्तान इसकी इस्तेदाद ना थी तो फरमाया कि फिर महीने पढ़ ले। इस तरह वो बार बार आगे से आगे सवाल करते थे, यहां तक कि आपने फरमाया कि साल में एक बार पढ़ यहां रिवायत में ही। दूसरी और रिवायत जो यहां नहीं है कि छह महीने एक बार पढ़ गए, साल में एक बार पढ़ गए, यहां तक कि वो बार बार सहूलत के बारे में सवाल करते थे, यहां तक फरमाया जिंदगी में कम से कम एक बार पढ़ गए तब भी उसको ये फजीलत और इनाम आप होंगे। तो जब अल्लाह फुर्सत दे हम लोग अभी शरीफ अजा पढ़ रहे हैं, ये इस जज्बे के साथ भी इंशाअल्लाह आने वाले जुमे तक एक दूसरे पहले अल्लाह की तौफीक दे।